देखा केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट होता क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवविकण यानी कि परमाणु अणु और आयन प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संभृत संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। अब है ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकण यानी कि अणु परमाणु या आयन एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ पराशी व्यवस्था होती तथा इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। देखिए इसमें कहा है तो इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराया जाता है। तो इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं। ज्यामितीय अभिविन्यास क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण देखिए, बार बार पुनरावृत्ति भी हो रहा है और एक निश्चित अभिविन्यास इसका निश्चित है, ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हीरा है, क्वार्टज है, सिल्वर है, ग्रेफाइट आदि क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस होता है क्या है? इसमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु पराशी होती है, अर्थात इनमें कणों के व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं यानी कि एक निश्चित नियम में नहीं होते हैं, इधर उधर होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण देख लीजिए, कोई भी निश्चित क्रम में नहीं है, इधर उधर सारे हैं। ठीक है, क्रिस्टल का घनत्व, घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं। रो इजकल टू जेड गुड़े एम बटा ए का पावर 3 गुड़े एन ए। ठीक है, रो घनत्व है, जेड इसमें जो जेड दिया है वो जेड प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या हो जाता है। एम जो है परमाणु भार हो जाएगा, ए जो है इकाई सेल के किनारों की लंबाई हो जाता है। एन ए इजकल टू एन ए को हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, 6.023 × 10^23। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल।